उन्होंने तो अपनी सारी बातें किताबें लिख करके या कभी किसी ने पूछ लिया तो उन्होंने सब स्पष्ट कर दिए, और उन्होंने जो स्वयं ही बता दिया उसको लेके आज तुम शोर मचाते हो। तुम्हारे जीवन के कितने राज तुमने आज तक प्रकट करे। इसलिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा कि गांधी जी को गांधी जी नहीं कहता या महात्मा नहीं लगाता, नहीं कभी नहीं लगाऊंगा। तो आज का वीडियो है गांधी जी के ऊपर, मोहनदास करमचंद गांधी। तो आपको इसी तरह के हजारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो कि उनके खिलाफ बनाई गई है। तो बात ये हो गई कि आप अपने बारे में किसी ऐसे इंसान से पूछ रहे हैं जिन्हें खुद के बारे में ही नहीं पता, तो वो आपके बारे में क्या बताएंगे। या फिर आप किसी महान व्यक्तित्व के बारे में किसी ऐसे इंसान से पूछ रहे हैं जो कि खुद एक अनपढ़ है, जिनका कोई परिचय नहीं, जिनका कोई नाम नहीं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया, तो वो आपकी क्या बातें करेंगे, आपके अच्छाई क्या बताएंगे, आपकी तो निंदा ही करेंगे ना, आपके खिलाफ ही वीडियोस बनाएंगे। चलिए बातों को ज्यादा ना बढ़ाते हुए आपको ये वीडियो पहले तो सही है। बात हमेशा कड़वी होती है। गांधी को मैं महात्मा नहीं मानता, गांधी को मैं बदमाश मानता। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना चाहिए ऐसा कोई कानून है? तो गांधी की जहाँ समाधि है ना, वहाँ मैं जेसी भी भेजूंगा। अभी रुकिए, अभी और भी अच्छे अच्छे थंबनेल्स दिखाते हैं आप। तो YouTube पर इस तरह के थंबनेल्स बनाए गए हैं, आप एक नजर डाल लीजिए इन पर, क्या असर पड़ेगा लोगों पर। महान व्यक्तित्व के बारे में एक महान व्यक्तित्व ही अच्छे से बता सकते हैं। चलिए इस वीडियो को है कि हम गांधी को गांधी जी कहें इसमें ज्यादा आदर है या गांधी कहने में ज्यादा आदर है? परमात्मा के साथ हम जी नहीं लगाते कि परमात्मा जी, परमात्मा को हम कहते हैं परमात्मा। परमात्मा को हम कहते हैं तू। आप आएंगे तो मैं आपसे कहूंगा आप। परमात्मा से कभी किसी ने आप कहा है? परमात्मा से हम कहते हैं तू। हे परमात्मा तू, तू तू अनादर नहीं है, तू अनादर नहीं है और ना गांधी अनादर है। इतना प्रेम है मेरे मन में कि जी लगाने से मुझे नहीं लगता कि गांधी की इज्जत बढ़ती है। छोटे मोटे लोगों के साथ जी लगाने से इज्जत बढ़ती होगी, गांधी के साथ जी लगाने से इज्जत कम होती है। जी हम उनके साथ लगाते हैं जिनके साथ लगाने जैसा भीतर कुछ भी नहीं है, बाहर से जी लगा के इज्जत जोड़ देते हैं। महावीर को मैं महावीर कहता हूं, उनको महावीर जी कहने से ऐसा लगेगा कोई किराने की दुकान के मालिक है। गौतम बुद्ध को मैं बुद्ध कहता हूँ, बुद्ध जी लगाने से वो ऊंचे और छोटे पड़ जाएंगे। गांधी को मैं उसी कोटि में मानता हूँ जहाँ आदमी आपके ऊपर उठ जाता है और तू में प्रविष्ट हो जाता है। एक अच्छे व्यक्तित्व के बारे में एक अच्छे व्यक्ति से सुनिए ना, अच्छा लगेगा देखने में। चलिए ये गांधी जब मरे तो जिन्ना बोले एक बहुत अच्छा हिंदू मर गया। लोगों ने जाकर कहा आप क्या बोल रहे हो, बोल दो एक अच्छा इंसान मर गया, ये बात आपकी छप रही है अखबार में। बोले नहीं, एक अच्छा हिंदू मर गया। जिन्ना को वहां दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है ये हिंदू धर्म का एक बहुत ऊंचा प्रतिनिधि है। ये बात जिन्ना को भी दिखाई दे रही है। और आज हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं गांधी तो हिंदुओं के साथ नहीं थे, वो मुसलमानों का पक्ष ले रहे थे वगैरह वगैरह। और कौन कह रहा है कि गांधी को तुम देवता का भगवान का दर्जा दे दो, लेकिन इंसान को इंसान की तरह तो देखो ना। मरने के बाद उनके चरित्र का नाश कर रहे हो, ये नहीं शोभा देता। 100 उनमें खोट थी, कौन इनकार कर सकता है, लेकिन उनसे कोई बेहतर अगर मिल रहा होता तो खड़ा हो जाता ना, कोई और काहे नहीं खड़ा हुआ। किसी ने बंदिश लगाई थी भाई, गांधी से उच्चतर कोई होता वहां खड़ा हो जाता, देशवासी उसके साथ चल देते। गांधी को महात्मा गांधी ने स्वयं नहीं बनाया, इस देश ने बनाया। तो अगर तुम्हें गांधी की प्रसिद्धि इत्यादि से समस्या हो रही है तो दोष किसको दो, देशवासियों को दो ना। देशवासियों को प्यार हो गया था गांधी से, तो हो गया था। और गांधी तो नहीं गए थे मोहब्बत की भीख मांगने, लोगों को अच्छा लगता था। एकदम दो हड्डी का आदमी चला आ रहा है और तेजी से चल रहा है और चलता ही जा रहा है, रुकता ही नहीं, एक गांव से दूसरे गांव भाग रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। दोष देना है तो देशवासियों को दो। एक बात लेकिन बता देता हूं, वैसा कोई आदमी आज भी खड़ा हो जाए ना अच्छा लगेगा, आसान नहीं होता गांधी बनना।
हम तो महात्मा गांधी के फैन हैं बहुत बड़े, और किसी का प्रशंसक होने का ये मतलब नहीं होता कि आप उससे ये उम्मीद करने लगे कि वो कोई गलती नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति से गलती हो सकती है, महात्मा गांधी से भी हो सकती है, किसी से भी होगी। और जिस व्यक्ति को पूरे देश का फैसला करना है, 100 फैसले करने हैं, 100 में 2 गलत होंगे ही होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके बदले मैं होता उनसे 2 गलतियां उनसे। इसलिए कहते हैं अगर किसी के बारे में जानना है तो अच्छे लोग, महान लोग, शिक्षित लोगों से ही जानिए। वो आपके बारे में आपकी अच्छाई बताएंगे, आपकी बुराई नहीं। इसी तरह हर इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि किसी भी इंसान में लाखों बुराइयाँ होते होंगे पर उनकी अच्छाई भी उनके अंदर होती है, वो देखने की कोशिश कीजिए।